एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई तो उसमें जो पैसेंजर था वो ऊपर के बर्थ पर था, तो उसने बाहर खिड़की में पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया है। तो बाहर वाले ने कहा चार आना दोगे तो बताऊंगा। तो उसने कहा मत बताओ, ये अहमदाबाद ही होगा। ऑफ द ईयर अवार्ड, और इस अवार्ड के विनर हैं जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर। आपके ओरिजिनल सॉन्ग्स होते हैं और आप पारंपरिक लोक गीत के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाती हैं और हमारे देश की समृद्ध संस्कृति को सामने प्रस्तुत करती हैं। मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या? क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं 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 मतलब बिल्कुल, मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर। डमरू कर बाजे प्रेम मगन नाचे भोला भोला, डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे प्रेम मगन नाचे भोला, सिंघी नाद बजावत गावत सिंघी नाद बजावत गावत लटक रही बगली झोला भोला, डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई मैथिली जी आपको। आपने देखा होगा मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, और मैं हैरान हूं कि भारत के दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्रास करती है। और भी पिछले दिनों यहां आई थी तो मेरा मिलना हुआ, तो उसने तमिल में मुझे शिव भजन सुनाया। और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज रात से मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। द फर्स्ट कैटेगरी, द अवार्ड फॉर द न्यू इंडिया चैंपियन। The award goes to Abhi and New. आपको नहीं लगा कि आपका विषय इतना ड्राई है, कैसे लोग इंटरेस्ट लेंगे? नहीं, जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं, वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ, आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को। थैंक यू दोस्त, बहुत शुभकामनाएं, बहुत सेवा करते रहिए। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। स्थापित मानदंडों को चैलेंज देकर नई राह बनाने वाले ये अवार्ड, जिसके विनर है रणवीर अलाहाबादिया। वी नो हिम एज बियर बाइसन। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। और अगला पुरस्कार प्रकृति और पर्यावरण के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले ग्रीन चैंपियन अवार्ड, जिसके विनर हैं पंक्ति पांडे। एज एन इसरो साइंटिस्ट, पंक्ति एम्प्लीफाइज द मैसेज ऑफ मिशन लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। बहुत बहुत बधाई। कुछ अपने कार्य के विषय में बताइए।
सर हूँ अहमदाबाद थी छू स्वागत छे बेस्ट क्रिएटिव फॉर सोशल चेंज और इस अवार्ड की विनर है जया किशोरी जिन्हें आधुनिक दौर की मीरा कहा जाता है वन ऑफ द यंगेस्ट स्पिरिचुअल ओरेटर्स शी शेयर्स स्टोरीज एंड टीचिंग्स फ्रॉम भगवद गीता एंड रामायणा इन इंसाइटफुल मैनर बहुत बहुत बधाई आपको चलिए आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है बहुत बहुत धन्यवाद बताइए कुछ जी मैं कथाकार हूँ श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीजों से गुजरा है और जो बदलाव मुझ में आया है चाहे शांति सुकून खुशी हर चीज को लेकर और सबसे बड़ी बात क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है।